चले आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में अतिक्रमण को लेकर जबरदस्त तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 11 सितंबर की तारीख आपको याद होगी जब हजारों की संख्या में लोग उतरे थे सड़क पर और इसके बाद अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे थे, यानी कि मस्जिद में जो अवैध निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद कल तस्वीर मंडी से सामने आई, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और आज आपको बता दें कि आज बंद का आह्वान किया गया है और इसका असर शिमला में मिला जुला जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात मंडी और कुल्लू की करें तो यहां पर बाजार पूरी तरीके से बंद है। तो लोगों में यह आक्रोश इसलिए क्योंकि 11 सितंबर को जब शिमला में विरोध प्रदर्शन किया गया था तो लोगों पर लाठियां भांजी गई थी और इस लाठियों में यानी कि लाठी चार्ज के दौरान कई लोग जो है बुरी तरीके से घायल हो गए थे और इसी को लेकर आक्रोश आज लोगों में देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है और इसका असर शिमला और साथ ही साथ कुल्लू मंडी में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आज एक बार फिर से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश, हालांकि अब ये शिमला तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब ये आक्रोश ये विरोध प्रदर्शन मंडी तक पहुंच चुका है। मंडी में भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनकी यही मांग है कि मस्जिद में जो अतिक्रमण किया गया है, जो नियमों को ताक में रखकर जो निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त किया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से जरूर कह दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर कार्रवाई होगी, अवैध निर्माण को गिराया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज बंद बुलाया गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बंद का ऐलान किया गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिमला की कुल्लू की तस्वीर है जहां पर एक बार फिर से हजारों की संख्या में लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बार बार ऐसी मनमानी जो है सामने आती है और मनमानी का नतीजा ये है कि अलग अलग हिस्सों में अवैध निर्माण अब मस्जिदों में देखने को मिल रहा है। खबर पर हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं मंडी से। मंडी में कोमल आप बता रही थी कि सुबह बंद का आह्वान किया गया था, 11 बजे तक का समय था, लेकिन अब धीरे धीरे दुकानें भी खुल रही हैं, लोग भी सड़क पर आ रहे हैं और हम शिमला की तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदर्शन जबरदस्त उग्र होता जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, शिमला के बाद मंडी तक भी पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये जो आग है अवैध मस्जिद को लेकर के, वो शिमला में देखने को मिलती है, कुसुमती में मिलती है देखने को, लेकिन उसके बाद ये आग जो है मंडी तक पहुंच गई है। कुल्लू में भी देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट जबरदस्त कुल्लू में भी ऐलान किया गया है, लेकिन बात अभी मंडी की करें तो देखिए किस तरह से यहाँ पे भारी विरोध प्रदर्शन होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, लाठी चार्ज का इस्तेमाल होता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लेकिन बंद की बात करें तो देखिए अब भी यहाँ पे आपको दुकानें जो है वो बंद नजर आ रही होगी, क्योंकि बंद का कॉल जो है वो सुबह के 9 से लेकर के 11 बजे तक का दिया गया था। के साथ ही विरोध की बात करें तो देखिए विरोध जो है वो हिमाचल के अलग अलग जिलों में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच अगर हम कांग्रेस के आश्वासन की बात करें तो जैसे विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि मामला जो है कोर्ट में है, कोर्ट के हिसाब से चल रहा है और कोर्ट में इस मामले को लेकर के जो भी सुनवाई होगी वो निष्पक्ष सुनवाई होगी। अगर विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को एक आश्वासन देते हुए तो नजर आए हैं कि इस मामले में सुनवाई जो होगी वो पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ होगी। लेकिन स्थानीय लोगों के अगर गुस्से की बात करें तो देखिए स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इतने साल से यह मामला जो है लंबित है, इसके पहले जब इन्होंने विरोध किया है तब जाकर के इस मामले में सुनवाई हुई है, वरना पिछले कुछ साल होते तो इस मामले को लेकर के सुनवाई तक नहीं होती थी। तो इसी को लेकर के काफी ज्यादा रोष है, लोगों का कहना है कि अगर ये पहले सुनवाई हो जाती तो जो मंजिला इमारत जैसे कि संजौली में देखे तो अचानक से 3 मंजिला इमारत बन जाती है। मंडी की बात करें तो जैसा हमने तस्वीरें दिखाई थी कि पहले जो मस्जिद है वो ग्राउंड फ्लोर की होती है, लेकिन लॉकडाउन के समय देखिए लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल किया जाता है बखूबी तरीके से इनकी तरफ से, एक विशेष समुदाय की तरफ से, और लोगों का कहना है कि 2 मंजिला इमारत बना दी जाती है। जब लॉकडाउन में लोग घरों में होते हैं ऐसे में 2 मंजिला इमारत जल्द से जल्द बना दी जाती है, ये स्थानीय लोगों का दावा है। तो ऐसे में देखिए लोगों में काफी ज्यादा रोष है, कांग्रेस की सरकार जैसा कि आप बता भी रही हैं कि लोगों में रोष है, बहुत नाराजगी है और आक्रोश दिख रहा है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कोमल, हिमाचल का ये एक तरह से रही है कि शांत रहता है हिमाचल, लेकिन अब जो ये अशांति है इसको संभालने के लिए, लोगों को गुस्से को शांत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन तो बदस्तूर जारी है और अब बढ़ भी गए, अलग अलग इलाकों तक पहुंच गए, सिर्फ शिमला में नहीं है। संजौली
बिल्कुल देखिए, अवैध मस्जिद निर्माण की आग जो है वो सिर्फ शिमला तक ही सीमित नहीं रही, शिमला के बाद वो कुसुमती तक पहुंचती है, कुसुमती के बाद वो मंडी में पहुंचती है, और मंडी के बाद देखिए ये आग जो है कुल्लू में भी पहुंचने की बात सामने आ रही है। तो लोगों में तो आक्रोश है, सरकार एक तरफ देखिए आश्वासन तो दे रही है, लेकिन लोगों को जो उम्मीदें थी कि इसके पहले, अगर हम शिमला की बात करें संजौली की, तो लोगों को तो उम्मीद थी कि शनिवार जो इसके पहले शनिवार को सुनवाई हुई थी उस दौरान फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला नहीं आ पाता है। अब सुनवाई जो है वो टाल दी जाती है, आगे 5 अक्टूबर तक टाल दी जाती है। उसी को लेकर के साफ तौर पर लोगों में काफी ज्यादा रोष है कि ये सुनवाई जो है लगातार टाल दी जा रही है, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, और ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि अब ये जो आग जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में सुलग रही है, और लगातार हिमाचल के अलग अलग जिलों से जो प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो अब कोर्ट की तरफ से जो डेट्स दी जा रही है वो उस पर भरोसा नहीं करती है, वो इनफैक्ट अब जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है वो उस पर भी भरोसा नहीं करती है। लोगों का कहना है कि जो एक्शन है वो लाइव एक्शन और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक डिमोलिश नहीं किया जाएगा, यही लोगों का कहना है, तब तक विरोध प्रदर्शन ऐसे ही देखने को मिलेगा। और लगातार जिस तरह से व्यापार मंडल बंदी का ऐलान कर रहा है, तो बंद किया जाएगा, नहीं हाथ से लिखा बंद है, सभी दुकानदार मालिक और कमरा मालिक इसके लिए जिम्मेवार होंगे। सुनो आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, भले टाइम के जी मैंने तो हमारा प्रणाम मंदिर है यार, 200 साल भाई से बोलो जिसने बोलना है, सभी लोग सभी सेनापति अभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद सभी शांति प्रिय तरीके से हमने यहाँ धरना दिया, किसी प्रकार की हमने कोई नुकसान नहीं किया, ठीक है। एक बात नंबर दो, हम सभी अभी यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे शांति प्रिय ढंग से, बिल्कुल एक उद्बोधन होगा, उसके बाद सभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बोलो बोलो भारत माता की, बोलो भारत व्यापार मंडल का यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया था, और कोई भी कॉल इस तरह की नहीं थी जिसमें ये कहा गया था कि हम एक इतने बड़े जो है रैली का रूप, शांति प्रिय रैली का रूप देंगे, ऐसा किसी की तरफ से पहले आह्वान नहीं किया गया था। परंतु लोगों की भावनाओं को देखते हुए जिस तरह से कृत्य जो है संजौली चौक पे हुआ है, उसको देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए, लोगों ने खुद निर्णय किया कि इस जो ये आज का बंद है, इस बंद के साथ साथ आम जनता ने यह भी निर्णय किया कि वो बाजार में एक शांति प्रिय रैली निकालेंगे। इसलिए आप सब लोगों को लिए इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि आज सारे सनातन इकट्ठे हुए और आपने एक शांति प्रिय रैली यहाँ पर निकाली है, जिसमें एक आम जनता ने, एक हमारी नारी जो घर में जो है खाना बना रही थी, उसने भी जब सनातनियों की आवाज सुनी तो वो भी घर से निकलकर अपनी चपातियां बंद करके इस स्टॉक पे आई। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ उन महिलाओं को, सनातनी एकता जिंदाबाद, जिस तरह से संजौली में एक अवैध जो है मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, और कानों कान जो है, जबकि जो है सरकार को भी यह मालूम होता है
के जो है कोई अगर एक मीटर भी एक इंच भी कोई जो है सरकारी भूमि में अवैध कब्जा करता है तो उसी टाइम उसका या तो मीटर काट दिया जाता है या उसको प्रताड़ित किया जाता है। परंतु ये क्या वजह थी कि जो है सरकार सोई रही, 5 मंजिला बिल्डिंग बनी रही परंतु सरकार सोती नहीं, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है कि नहीं है? हमारे हिंदू भाइयों ने जिस तरह से आज यहाँ पे शांति प्रिय जो है रैली निकाली, वहाँ पे भी ऐसी ही शांति प्रिय रैली निकाली जा रही थी, परंतु हमारे ही लोगों को कहा गया, जैसे हमारे पुलिस के यहाँ भाई है, हिंदू भाइयों को जो जो है हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई, इसके लिए प्रदेश सरकार जो है मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ कि प्रदेश सरकार ने ये गलत कृत्य किया। शांति प्रिय लोगों को जो है कभी भी जो है अपनी हमेशा शांति प्रिय आवाज को उठाने का जो है अगर कोई दबाने का काम करेगा तो ये आज का जिस तरह का प्रदर्शन है आने वाले समय में वो प्रदर्शन उग्र भी होता है। परंतु हम चाहते हैं जो अवैध है गलत कौन मांग रहा है? कोई गलत चीज नहीं मांग रहा है। कह रहे हैं कि जो अवैध वहाँ निर्माण किया गया है उसको ढाया जाना चाहिए। ढाया जाना चाहिए कि नहीं ढाया जाना चाहिए? ढाया जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और जिन लोगों के ऊपर वहाँ पे जो है हमला किया गया, लाठीचार्ज किया गया, गलत लाठीचार्ज किया गया, वो सारे जो है कम से कम 15 या 20 लोग हमारे जिनके ऊपर जो है उन्होंने FIR दर्ज की है, उन FIR को जो है प्रदेश सरकार को वापस लेना होगा। शांति प्रिय धरना कभी भी गलत नहीं होता है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि कोई भी आवाज आप उठा सकते हैं परंतु उसका तरीका शांति प्रिय होना चाहिए। तो ये शांति प्रिय तरीके के ऊपर अगर लाठीचार्ज हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं इसके माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्द वापस लिया जाने चाहिए ये केस। और जैसा आप लोगों ने आज यहाँ पे सहयोग दिया, हो सकता है अगर केस उनके क्योंकि वो कौन है, हमारे भाई लोग हैं जिनके जो है जिनके ऊपर जो है केस किए गए, वो भी चाहते थे कि इस मस्जिद को जो है ढाया जाना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से, हिंदुओं को सनातनियों को कभी किसी से दिक्कत नहीं रही है। अगर दिक्कत रही है अन्य लोगों को रहती है, जिनके मैं माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि जब वो माइनॉरिटी में होते हैं तो शांति प्रिय हो जाते हैं, परंतु जैसे ही संख्या बढ़ाते हैं वो शांति प्रिय नहीं रहते, ये भी किस मंच से मैं कह देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल पक्की बात है, परंतु हम लोगों को सनातनियों ने अपना धर्म नहीं छोड़ना है, ना पहले छोड़ा ना अब छोड़ेंगे। परंतु जिस तरह से ये आग जो है जली है, हर व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं से यहाँ आया है, तो उसके लिए हम लोगों को जो है एकता में बल है, और आज जो एकता आपने यहाँ दिखाई है। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग जो हैं एक बार फिर से यहाँ पर हुंकार भरते हुए और यही कहते हुए कि अवैध निर्माण जो बनाया गया है उससे ध्वस्त किया जाए, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। और दोनों ही तस्वीर आपको दिखा रहे हिमाचल प्रदेश की है, जहां शिमला, कुल्लू और मंडी में भी इसी तरीके से तस्वीर